आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस पोचुलाका के प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसे मोस रोज भी कहते हैं और 9 o'clock भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो फ्लावर हैं वो सुबह 9-10 बजे से शाम को 5-6 बजे तक स्पेंड हो जाते हैं। सुबह 9-10 बजे खिलते हैं और शाम को स्पेंड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, रेनी सीजन इसका बेस्ट सीजन है इसे लगाने के लिए। आप इसे रेनी सीजन में लगाएं, आप इसे गर्मी में भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 12 महीना रहने वाला प्लांट है, आप इसे 12 महीना लगा सकते हैं। बस ये फ्लावरिंग गर्मियों से बरसात में देता है, ठंडियों में ये फ्लावरिंग नहीं करता है। इसके पत्ते की बात करें फ्रेंड्स, तो ये देखिए इसके पत्ते कितने अच्छे लग रहे हैं। ये लिक्विडी जैसे इसमें कुछ है, लिक्विड जैसा होता है फ्रेंड्स। आप इसे स्प्रेड करेंगे तो ये देखिए लिक्विड जैसा निकलता है। ये प्लांट अपने पत्तों पर काफ़ी मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, पानी होल्ड करके रखता है, इसलिए फ्रेंड्स ये काफ़ी कम पानी वाली जगह में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पास 2-3 कलर के पोचुलाका हैं, लेकिन अभी इसमें 2 ही कलर के खिले हैं। ये मैजेंटा कलर है और वो वाइट कलर है। इसमें एक मेरे पास है पिंक कलर का वेरीगेटेड है, वो अभी खिला नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे इस फ्लावर में काफ़ी सारे बर्ड्स आए हुए हैं। इसकी फ्लावरिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, अभी इसमें काफ़ी सारे बर्ड्स आए हुए हैं। मैंने इसे अभी 10-15 दिन पहले लगाया था। इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है फ्रेंड्स, आप इसे बहुत जल्दी लगा सकते हैं। इसकी इतनी छोटी छोटी सी भी कटिंग लग जाती हैं, आप इसे यहाँ से तोड़कर अगर मिट्टी में दबा देंगे ये तुरंत लग जाएंगी। इसके लिए आपको बड़ा पॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसमें छोटा पॉट, इतने छोटे छोटे पॉट्स में भी ये आसानी से ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ छोटे छोटे, ये मेरे पास बेस्ट पड़े हुए थे, मैंने इसमें लगाया हुआ है और मैंने छोटे से टब में लगाया हुआ है और एक गमले में, और ये बड़े से टब में मैंने इसे लगाया हुआ है। ये जब फ्रेंड्स खिलता है बहुत सारा एक साथ तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, इसकी जड़ें काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, इसलिए हमें बड़े पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और ये कई सारे शेड में, कई सारे कलर में आता है। ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सारे कलर्स में अगर आप इसे अपने गार्डन में लगाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, आसानी से लग जाता है। लेकिन फिर भी आप इसके लिए जो कंपोस्ट बनाएं उसमें एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा गार्डन सॉइल और एक हिस्सा कंपोस्ट मिलाकर इसकी मिट्टी तैयार करें। ये वैसे तो हर मिट्टी में लग जाता है, लेकिन अगर आपके यहाँ की चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें रेत नहीं मिलाएं, उसमें आप कोकोपीट मिलाकर लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये शेड में रहने वाला प्लांट नहीं है, आप इसे शेड में बिल्कुल भी नहीं रखें, आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखें। ये आसानी से अच्छे से ग्रो होगा और काफ़ी सारी फ्लावरिंग देगा अगर आप इसे शेड में रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे शेड में रख दिया था, तो आप देख सकते हैं शेड में रखने में ये दिक्कत है फ्रेंड्स कि इसके जो पत्ते हैं वो काफ़ी दूर दूर से दूर दूर आते हैं, ये देखिए। और अगर आप इसे फुल सनलाइट पर रखेंगे तो आपका प्लांट कुछ इस तरह से रहेगा, इसके जो पत्ते हैं, पत्तियाँ हैं वो पास पास रहेंगी, इसलिए आप इसे शेड पर बिल्कुल भी नहीं रखें, नहीं तो ये बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करेगा। हमने इसे अब कंप्लीट धूप पर रख दिया है, फुल सनलाइट पर इसे रख दिया है क्योंकि इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। हम इसे ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए थे, अब हम इसे फुल सनलाइट पर रख दिए हैं, जिससे काफ़ी सारी ये देखिए बर्ड्स भी आ रहे हैं और ये अब खिलना स्टार्ट हो गया है। अब इसके फर्टिलाइज़र की बात करें फ्रेंड्स, तो आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं।
मैं इसमें डीएपी 1 चम्मच डीएपी को 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके, 1-2 चम्मच डीएपी को 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके इसमें हर 10 दिन में 15 दिन में दे देती हूँ, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है तो इसके फ्लावर के लिए इसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, मैं इसमें एक और लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ, स्मार्ट बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, वो भी इस प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फ्रेंड्स, ये प्लांट ठंडियों में आपको फ्लावरिंग नहीं देगा, ठंडियों में ऐसा लगेगा इस प्लांट को देखकर कि जैसे ये मर गया है, आप डेड हो गया है, लेकिन जैसे ही इसमें बरसात या गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ये अपने आप ही अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। मैं इसे इसी ऐसे ही टब पे छोड़ देती हूँ और ये जैसे ही इसमें गर्मियों का मौसम आता है, इसमें अपने आप ही इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और अच्छी फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपने गार्डन में इस प्लांट को ऐड नहीं किया है तो आप इसे अपने गार्डन में ऐड जरूर करें, या आपको कहीं भी इसकी इतनी छोटी छोटी सी भी कटिंग मिल जाए फ्रेंड्स, तो आप उसे लाकर लगा सकते हैं। इसे नर्सरी से बाय करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप कहीं भी पार्क में या कहीं भी आपको इसकी कटिंग मिल जाए, आप उसे लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही जल्दी लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।